हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी एक अहम वरदान की तरह साबित हो रही है। काफी सारे लोगों की जान बचाई जा सकी है प्लाज्मा थेरेपी के जरिए। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड के इलाज में लगा हुआ अस्पताल LNJP, जहां पर अब दिल्ली के दूसरे प्लाज्मा बैंक का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही ये प्लाज्मा बैंक उपलब्ध होगा उन तमाम लोगों के लिए जो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। और खास बात यह है कि LNJP अस्पताल में ही चूंकि कोरोना के पेशेंट्स का इलाज होता है, तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि यहाँ से ठीक होकर गए हैं और प्लाज्मा डोनेट भी कर सकते हैं। इस समय जहाँ पर ब्लड दान किया जाता है, जहाँ पर ब्लड डोनेट किया जाता है, उस डिपार्टमेंट में ही प्लाज्मा बैंक भी बनाया जाएगा। और एक मशीन, ये जो इस समय आप तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पर आ चुकी है LNJP में। और इस एक मशीन के जरिए करीब 15 लोगों का प्लाज्मा लिया जाएगा। जल्द ही जो लोग प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं उनके लिए ये प्लाज्मा बैंक जो है वो खोल दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली के लिहाज से देखें तो काफ़ी अहम माना जा रहा है इसे। और LNJP के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। और सर, ये एक मशीन आप लोग लेकर आए हैं, क्या आप लोग की तैयारी है? और ये LNJP के लिहाज से देखें और दिल्ली के लिहाज से देखें तो काफ़ी अहम कदम साबित होने वाला है प्लाज्मा बैंक को देखते हुए। जी बिल्कुल, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी अभी बहुत कारगर साबित हो रही है। इट्स वेरी इफेक्टिव इन मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स, एंड अर्लियर वी यूज टू गेट प्लाज्मा फ्रॉम ILBS। अभी हमारा ILBS पे जो निर्भरता है वो नहीं रहेगी। ये मशीन लगने से जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका हम यहीं पे प्लाज्मा जो डोनर हैं उनसे लेके और यहीं के जो पेशेंट्स हैं उनको हम दे सकते हैं। पर डे 10 से 15 पेशेंट्स यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं, और यदि ज़रूरत पड़ी तो इसको हम 24 घंटे भी चला सकते हैं कि 12 घंटे में 10 से 15 पेशेंट्स डोनेट कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा लोड हुआ तो हम रात को भी इसको चला सकते हैं, उसकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं। इसको प्लाज्मा फेरेसिस मशीन कहते हैं। सो इसके बाकी भी फायदे हैं, जैसे कि प्लेटलेट किसी को चाहिए तो प्लेटलेट का जो जंबो पैक है 50,000 प्लेटलेट, वो भी इसमें फैसिलिटी है। प्लाज्मा के साथ प्लेटलेट को भी सेपरेट करती है ये मशीन, और दो तीन फंक्शन और हैं इसमें, तो ये पहले हमारे अस्पताल में नहीं थी, तो अब ये सुविधा हमारे यहाँ से उपलब्ध होगी। और दिल्ली सरकार जल्दी ही इसको ऑन बोर्ड लेके और इसका उद्घाटन अब एक दो दिन में होने वाला है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने टाइम लिए मांगा है कि इनको एक दो दिन में शायद ये चालू कर देंगे, जल्दी ये लोग यहाँ पर डोनेट कर सकेंगे। ऐसी और कितनी मशीन्स आप लोग अभी मंगाने की योजना है, या जैसे एक मशीन से 15 लोग अगर डोनेट कर सकते हैं तो क्या अभी कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर भी काम कर? यदि जरूरत हो, इफ इट्स रिक्वायर्ड, इट डिपेंड ऑन द लोड, वर्क लोड। सो फार वी आर गिविंग 4 to 5 प्लाज्मा पर डे, दिस इज सफिशियंट फॉर आवर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का जो वर्कलोड है उसके हिसाब से हमारे लिए अभी पर्याप्त है। यदि जरूरत होगी तो हम ये जो सर्विस है बढ़ा भी सकते हैं। ILBS में जो प्लाज्मा बैंक बना सर, उसके बाद ये भी देखने को आया कि डोनर्स बहुत ज्यादा तादाद में नहीं आ रहे हैं, लेकिन LNJP के पास ये एडवांटेज है कि यहाँ से लोग ठीक होकर भी जा रहे हैं, तो क्या उन लोगों से संपर्क करने की भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ठीक होकर गए हैं तो वो डोनेट करने हैं? जी, हमारे यहाँ से 3,000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर जा चुके हैं, तो अभी हमने पिछले हफ्ते से 3 काउंसलर्स नियुक्त किए हैं जो डिस्चार्ज हुए पेशेंट्स को फ़ोन करके उनको समझाते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन क्या प्रक्रिया है, इसका कोई नुकसान नहीं है, तो लोगों को आगे आना चाहिए। जो ठीक हो चुके हैं वो प्लाज्मा का दान कर सकते हैं, इससे किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है। और पूर्णतः ये सेफ प्रोसीजर है, इट्स एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर टू डोनेट द प्लाज्मा। और जो भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सभी जगह आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी ऐड आ रहा है कि लोग आगे आएँ और हीरो बने और किसी की जो प्लाज्मा से पीड़ित व्यक्ति है उसकी जान बचाएं, तो प्लाज्मा दान करने से कोई नुकसान नहीं होता है, इससे बल्कि किसी व्यक्ति की जान बच सकती है। LNJP में सबसे पहले प्लाज्मा का ट्रायल भी शुरू हुआ था दिल्ली में, और ये थेरेपी अभी तक काफी कारगर साबित हुई। कोई एक आंकड़ा जो यहाँ पर कितने लोग ठीक हो चुके हैं अभी तक प्लाज्मा थेरेपी? पहले फेज में हमने 20 व्यक्तियों को प्लाज्मा दिया था, और अभी जो सेकंड फेज है इसमें हमें 200 का परमिशन मिला है, तो उसमें भी हमारा जो 40 पेशेंट को हम दे चुके हैं, टोटल 60 पेशेंट्स को हमने प्लाज्मा दिया है और काफ़ी रिजल्ट अच्छे हैं। जो पेशेंट्स मॉडरेटली सीख हैं उसमें ज़्यादा फायदा देखा गया है।
जहाँ तक बात करें दिल्ली में एक और प्लाज्मा बैंक जल्द ही खुल जाएगा दिल्ली के LNJP अस्पताल में, और जहाँ तक बात करें प्लाज्मा थेरेपी की तो अभी तक काफ़ी कारगर साबित हुई है, और ऐसे में LNJP में ये जो प्लाज्मा बैंक खुल रहा है ये माना जा रहा है कि तमाम जो कोरोना के केसेज और आ रहे हैं और जिन लोगों को रिकमेंड करते हैं डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी के लिए, उनके लिए ये एक काफ़ी अहम प्लाज्मा बैंक साबित होगा। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज़ दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।